ये मेरी गन कैसे ले घूम रहे तुम्हें भैया? आप तो नई गन लाने वाले थे ना। कौन सी गन? इससे बड़ी। अच्छा, अरे यार, हाँ यार, मैंने ये वाली गन मंगाई थी ना, और तू ये कैसे ले घूम रहा है? तेरी वाली कहाँ है? चल जा, लेके आ तेरी वाली। वाइस यार, मैं तो भूल गया था, मैंने ऑर्डर करी थी, वो बाहर से आने वाली थी। चलो एक बार चेक करता हूँ कहाँ तक गई। ओके, अरे यार अभी तो 2 दिन और बता रहे उसको आने में। शिट, 2 दिन और वेट करना पड़ेगा यार। एक सेकंड, किसका फोन आ रहा है? अननोन नंबर। ये किसके? हेलो हेलो भैया, आपका पार्सल आया। क्या पार्सल? गॉइस, कहाँ पे हो? बाहर गेट पे। यार 2 दिन पहले कैसे आ गया? ठीक आ रहा हूँ। गॉइस फाइनली पार्सल आ गया, चलो लेके आते हैं। गाइस फाइनली अपनी पावरफुल वाटर गन आ चुकी है। गाइस ये है वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वाटर गन, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जो भी ये कॉपी है, मेन यही है जो आपने वायरल वीडियो के अंदर देखी होगी, बहुत सारी इस टाइप की गन, तो वही है गाइस। ये इसको मंगाने में मेरी बहुत ज्यादा हालत टाइट हो गई गाइस। आते आते 15 दिन तो वैसे भी लग गए, ऊपर से जो एक्स्ट्रा चार्ज लगे ड्यूटीज डिलीवरी चार्ज, उसके बाद तो मेरा दिमाग खराब हो गया। फर्स्ट और लास्ट पार्सल है मेरा जो मैं बाहर से मंगा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। बाकी बॉक्स देख लो आप एक बार, बॉक्स कितना शानदार क्वालिटी का। स्पाइरा 2 ये सेकंड वाला मॉडल है, और अभी लेटेस्ट थर्ड वाला भी आ चुका है, लेकिन मैंने चेक किया था कि 2 वाला ज्यादा पावरफुल है, तो मैंने 2 मंगाया। थर्ड वाले के अंदर वैसे तो ज्यादा फीचर है, बट वो फीचर काम के नहीं है, तो ये वाली बेस्ट लगी मेरे को। चलो अनबॉक्स करके ही दिखा देता हूँ। ये खुल चुकी है, और गाइस अब आपके सामने अनबॉक्स होने जा रही है। 1 2 3 अब मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली। प्राइस बाद में बताऊंगा मैं, प्राइस का सिस्टम जो भी है, कितने की पड़ गई मेरे को बाहर से मंगाने बाद में, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसके ऊपर कुछ कुछ चित्र बने हुए हैं, उनको छोड़ते हैं। ये कार्ड मिला स्पाइरा का, कुछ तो गाइड वगैरह है, इसको छोड़ते हैं। कुछ इस टाइप से ये ऊपर होगा, ये देखो इसकी केबल दे रही है चार्ज करने के लिए, चलो टाइप सी से चार्ज होगी। और इधर कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल वगैरह दे रखे, बिल भी इसी के अंदर पड़े। गन दिखाता हूँ गाइस, एक बार गन देखना। देखो एक बार इसको, बहुत ज्यादा बड़ी साइज की, और गाइस हेवी है, मतलब आधा किलो की लग रही है मेरे को ये, उससे तो बड़ी है। तो मैं आपको पहली वाली से कंपेयर करता हूँ, ये वाली है पहली वाली गन, देखो गाइस इसकी आधी है यार, आधी से थोड़ी ज्यादा है, बट देखो इसका साइज और इसका साइज देखो, ये इसकी कॉपी है गाइस, ये है ओरिजिनल तो। और ये बिल्कुल हल्की है, मतलब लाइट वेट है, और कितनी छोटी है देखो। और ये वाली देखो एक बार, पैसा मॉन्स्टर है यार, ये है देव की आर्मी के लेवल की। तो चलो इसके फीचर चेक करते हैं, और फिर बाद में इसकी टेस्टिंग करेगा गाइस। यकीन मानो इसकी पावर देखोगे ना, दिमाग घूम जाएगा, इतनी पावर वाली गन मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, तो गाइस इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर देखो, ये चार्जिंग का सॉकेट दे रखा है, टाइप सी वाला पोर्ट है, और यहाँ पर जो ये स्टील का सर्कल दिख रहा है ना, यही इसका ऑन ऑफ का बटन है, इसको दबाते ही ये ऑन हो जाएगी। इसकी आवाज सुनाता हूँ मैं आपको, टेक्टल हल्की सी आवाज आती है। यहाँ पर इसके देखो छोटी सी डिस्प्ले लगी हुई है यहाँ पे, अभी इस डिस्प्ले के अंदर इंडिकेशन 0 दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पानी भरा हुआ नहीं है। और यहाँ पर पास में यहाँ पर बैटरी का लेवल दिखा रहा है, 100% बैटरी चार्ज है, तो इसके अंदर सारी चीजें दिखा देता है। यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए बहुत ही शानदार ग्रिप दे रहा है, आराम से उठा सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो ट्रिगर इसका, ये दोनों साइड से काम करता है, आगे भी काम करता है पीछे भी काम करता है। जब पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से पानी निकलेगा, ठीक है, और अगर अपन इसको दबाए हुए रखेंगे तो ये फुल पावर के साथ पानी फेंकेगा। अभी जो ये एक्टिविटी हुई ये थी इसके अंदर जो पहले से पानी था उसको खाली करने की, मतलब अगर अपन इसको ऑन करने बाद जब इसको दबाए हुए रखते हैं ना, तो ये इसके अंदर वाले पानी को खाली कर देता है, ताकि अपन इसको वापस डब्बे में पैक करके रख सके, क्योंकि इसके अंदर पानी रहेगा तो वो लीकेज होकर फिर डब्बे को खराब कर देगा। जब अपन इसको आगे की तरफ करेंगे ना, ये भरने का काम करेगा इसके अंदर पानी, इस टाइप से, तो इस टाइप से इसके अंदर पानी भरता है, और वो पानी भरेगा यहाँ से सामने से, ये जो होल दिख रहा है यहाँ पर इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, उसके थ्रू यहाँ से होल से पानी भरता है और इसके अंदर से पानी निकलता है। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको भर के भी दिखा दूंगा, चला के भी दिखा दूंगा, पावर शॉर्ट भी दिखा दूंगा, खाली करने का सिस्टम भी दिखा दूंगा, उससे पहले मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह बता देता हूँ। तो गाइस ये है इसके बिल, मैं क्यों बोल रहा था कि बाहर से मंगाना बेकार चीज है किसी भी चीज को, ये आई थी मेरे US से, और मैंने इसको बाय किया था UBI से। एग्जैक्ट प्राइस बताता हूँ मैं आपको, इसकी प्राइस थी 16,064 रुपए, 16,000 की केवल ये गन है गाइस, और जो पहले वाली देखी थी वो 2,500 की भी नहीं थी, तो ये गन 16,000 की पड़ गई। इसके बाद में गाइस गेम चालू होता है, फिर आता है 15,566 किसके, शिपिंग के, केवल शिपिंग के, कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट के जो टैक्स वगैरह लगते हैं ना, उसके लगे ये 15,566 रुपए, मतलब डबल। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक लग गया, तो चलो मैंने सोचा ठीक है आपके लिए पैसे क्या देखना, मतलब अपने को वीडियो बनानी है, होली वगैरह आने वाली है, गन की वीडियो बनाते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने मंगा लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे ही अपने इंडिया में आई दिल्ली में, यहाँ पे आने बाद यहाँ की अलग और ड्यूटीज लगने चालू हो गई। इंडिया में दिल्ली में आने बाद मेरे को फोन आया FedEx वालों का, और उन्होंने बोला कि यहाँ की डिलीवरी चार्जेस अलग लगेंगे, मतलब पता नहीं कस्टम वगैरह क्या क्या सिस्टम होता है मेरे को समझ में नहीं है। तो यहाँ पे फिर मेरे को लग गए 12,986 रुपए गाइस, टोटल ये 44,000 की गन पड़ गई 16,000 से, देख लो। चलो कोई नहीं, फिर भी आपके लिए हम ये चीज करते हैं, क्योंकि मजा आता है हमको भी और आपको भी मजा आता है, आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम, इतना सब कुछ कर रहे हैं हम आपके लिए, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मेहनत सफल हो और हम आगे और भी ऐसे कंटेंट बढ़िया बढ़िया लाते रहे आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। तो अभी मैं पानी की बाल्टी भर के लेके आ गया,
फ्यूल और अब इसको भरते हैं। इसको भरने के लिए कोई भी होल वगैरह नहीं दे रखा, सामने से भरेगी है। आपको एक बार भर के दिखा देता हूँ। तो ऑन है अभी ये, और अब इसको इसके अंदर डुबोना होगा और इस ट्रिगर को आगे की तरफ करना होगा जितने में ये भर जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब मैं इसके ट्रिगर को आगे की तरफ कर दूंगा। ये देखो गाइस, ये हो गया 100%। तो गाइस यहाँ पे 100% हो गया, यानी कि ये फुल पानी से भर चुकी है और अब ये गन अपने चलाने के लिए रेडी हो चुकी है। इसके अंदर से ये एक्स्ट्रा पानी यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पे देखो होल दे रखा है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो यहाँ से निकल जाता ऑटोमेटिकली। और इसके अंदर इतना पानी भर चुका है, ये मेरे को आगे की तरफ झुका रही है, भरी हो चुकी है। बाकी ग्रिप वगैरह शानदार है इसका, देखो कुछ इस टाइप से यहाँ पे टच करके और फिर अपन यहाँ से निशाना लगा सकते हैं। पहली बार शूट करके देखते हैं कितनी पावर है, आपके सामने सब कुछ पता चल जाएगा। 1, 2, 3। वो गाइस क्या था ये, एक बार पहले वाली लेके आना, वो वाली गन दिखाता हूँ मैं आपको, वो क्या है, ये क्या है। तो इसकी आवाज सुनना एक बार देखना, और अब इसकी देखना भाई साहब, ये क्या चीज है यार। तो गाइस अब इसके अंदर कंटिन्यू एक बार में 3 शॉट चला सकते हैं। ये चल गया, अब ये लोड हो रही है वापस, 3 लाइन आ गई, फिर से 3 लाइन चला सकते हैं अपन। तो ये बंद हो गया, फिर से लोड हो रहा है और फिर से ये कंटिन्यू चला सकते हैं। और बाकी अगर एक एक रुक रुक के चलाएंगे अपन ऐसे, तो ऐसे चलाते जाओ बोली, मतलब एक बार में कंटिन्यूसली 3 बार चला सकते हैं। लेकिन गाइस इसका जो मेन फीचर है ना, वो है इसकी पावर वाली शॉट। उसके लिए अपने को इसको ट्रिगर को पीछे खींच के और फिर बाद में छोड़ना होता है। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसकी आवाज भी सुनना देखना। ये हो रही थी लोडिंग फुल पावर के साथ, इसने पानी को टंकी के अंदर भर लिया। अब मैं जब इसको छोड़ूंगा ना, अब देखना इसका प्रेशर भाई कितना सारे पानी निकाल दे एक बार में इसने। एक बार और चला के दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस पानी खत्म हो गया, 4-5 शॉट चलाए बड़े वाले, पानी खत्म हो गया, वापस भरना पड़ेगा। 100% हो चुकी है, फिर से भर चुकी है। तो गाइस अपन अगर सिंगल सिंगल शॉट चलाते हैं ना, तो इसके अंदर कितने चला सकते हैं वो चेक करते हैं, मतलब सिंगल शॉट में कितनी बार चला सकती है, और फिर पावर वाले जो शॉट है जो अभी मैंने आपको चला के दिखाया है वो कितने चला सकती है वो चेक करते हैं। तो पहले मैं दीवार की सामने की तरफ उधर शूट करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और अब 0 हो गया। तो गाइस एक बार में इसने 25 शॉट चलाए, मतलब 25 बार शूट कर सकता है। देखो सामने से पूरी दीवार गिली हो चुकी है। और अब चेक करते हैं इसके पावर वाले शूट, जो कि एक बार में शक बहुत सारा पानी फेंकता है, तो फिर से भरना पड़ेगा इसको। ओके, तो अब इसके पावर वाले शूट चेक कर लेते हैं एक बार कितने चलते हैं। गाइस देखा आपने, पूरी गन पीछे की तरफ ऐसे झुक रही है। तो गाइस 2 शूट चल चुके पावर वाले, और एक बार इस बार देखना गन पीछे की तरफ कैसे होती है। ये पहली बार एक चल देगा, अब लोड हो रहा है और अब देखना भाई साहब पीछे की तरफ प्रेशर लगाती है। 3 शूट हो गए एक बार सिंगल हाथ से, भाई साहब पूरा हिला देती है। 4 शूट पावर वाले, 4 शूट चल गए, 3-4 शूट और सिंगल वाले चलेंगे कुछ इस टाइप से। 1, 2, 3, 4, 5, 4, यानी 8 शूट तो अपन सिंगल सिंगल में, और 4 शूट वो वाले चला सकते हैं पावर वाले। ओके गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पर बॉलिंग बॉल जमा दी, 6 बॉलिंग बॉल एक साथ जमा दी, और अब मेरे पास रेडी है गन, और इससे मैं निशाना लगाने वाला हूँ उस दीवार से, यहाँ से निशाना लगाऊंगा। तो गाइस पहले नॉर्मल मोड के अंदर ट्राई करता हूँ, फिर बाद में पावर वाले मोड में अगर नहीं पहुंचा तो। वो यार गाइस इसने तो आराम से गिरा दिया, वहां से भी इतनी दूर से भी, जो तो मैं नॉर्मल मोड में कर रहा हूँ, पावर वाले में करता तो ये गोप्रो को भी फेंक देता। तो एक बार पावर वाले मोड के साथ टेबल की डिस्टेंस थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ मैं। अब यहाँ से देखो दीवार कितनी दूर है, इस बार नॉर्मल मोड और पावर मोड दोनों चेक करेंगे। तो गाइस यार अभी मेरे को बहुत ही ज्यादा दूर लग रही है, पता नहीं यहाँ से पहुंचेगी भी या नहीं, फिर भी ट्राई करके देखते हैं एक बार। 1, 2, 3। वो गाइस वहां तक भी जा रही है आराम से, बस वहां पे जाके ये इसका पानी फैल रहा है तो वो टकरा नहीं पा रहा उससे। ठीक है, तो मैं पावर वाला शॉट लगाता हूँ इस बार, अब निशाना लगाता हूँ एक बार। पावर वाले शॉट से मतलब कि गिरा सकते हैं अपन वहां से। तो गाइस देखो एक बार यार कितनी दूर है, वहां से यहाँ तक शॉट मार रहा हूँ मैं, और उस नॉर्मल गन को चेक करके बताता हूँ एक बार उसका कितना प्रेशर जाता है, इसका कितना जाता है। तो गाइस ये है पहले वाली छोटी वाली गन, और ये है इसके पापा बड़ी वाली गन, टॉयलेट कर रहे हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी आ गया था, तो देखो यहाँ से नीचे से निकल भी जाता है, लीकेज नहीं है गाइस, ये एक्स्ट्रा पानी निकालता है। तो अब इन दोनों के बीच में चेक करते हैं कौन से वाले की कितनी दूर जाती है। ठीक है, उस वाली दीवार पर चला जाता हूँ और वहां से दोनों को साथ में चलाऊंगा और देखूंगा कौन से की ज्यादा दूर जा रही है। ठीक है, तो पहले आती है छोटी वाली की बारी।
गाइस इसके छींटे गोप्रो तक जा रहे हैं, सामने गोप्रो पड़ा नीचे तो वहां तक जा रहे हैं इसके छींटे। और अब इस बड़ी वाली की बारी आती है, इसका एक शॉट चलाते हैं अपन। ओ भाई साहब, मैं हवा के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हूँ, उसके बावजूद देखो वहां तक जा रहा है। तो छोटी वाली गन का यहाँ तक आ रहा है गोप्रो तक, और इसका आ रहा है ये देखो यहाँ तक लास्ट छीटा इसका। वाह ऐसा पूरे छत को कवर कर लिया यार हमारी। तो गाइस अभी मैं हवा की डायरेक्शन में यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ से चलाता हूँ। तो गाइस यार ये तो मतलब यहाँ तक जा रही है, मतलब थोड़े से गैप रह रहा दीवार से, इतनी सी दूरी पर है लेकिन ये दीवार को टच कर रही है। उधर की तरफ देखो एक बार, सामने की तरफ दीवार, यहाँ से वो रही दीवार, वहां तक टच हो रहा है गाइस। हरे घूम घुम अकड़ अकड़ बकड़ बी गए वांग बियाला, आसमान का कलर बदल गया किसने रंग उछाला। घूम घुम अकड़ अकड़ बकड़ बी गए वांग बियाला, आसमान का कलर बदल गया किसने रंग उछाला। लाइट शेड के आरा तेरी चोली है, रहना सोने आज होली है। तो अपनी गन छोड़ के बाहर दो शॉट पावर वाले मारे थे मैं, लोडिंग के टाइम पर उन दोनों ने मजा ले लिया। गाइस आई होप आपको इस वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल गन की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को एडवांस में जोर से हैप्पी होली।